अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू चैनल। मैं हूँ आपका होस्ट अली बलोच और इस वक्त मैं हूँ पताया थाईलैंड में। कैसे पहुँचा, कब पहुँचा, ये एक लंबी कहानी है, तो इसको फिर कभी सही। अब हम मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो आने का मकसद था वो टूरिज़्म के हवाले से और इसके साथ बिलोंगिंग के हवाले से था। तो कल यहाँ पहुँचे थे, कल का दिन बड़ा थकावट वाला था। थाईलैंड का सफ़र काफ़ी लंबा पड़ा क्योंकि क्वेटा से फ़्लाइट नहीं थी अवेलेबल, तो बाय बस आना पड़ा कराची। फिर कराची में स्टे किया, वहाँ से फिर बाय एयर 5 घंटे की फ़्लाइट थी, बैंकॉक आए, बैंकॉक से पताया। अब यहाँ पे पताया पे हमने होटल में, इस वक्त मैं होटल के रूम में हूँ। अभी हम उठे हैं तकरीबन दिन के 12 से 1 के दरमियान, यहाँ के हिसाब के अनुसार बन रहा है। तो ये अभी मैं नाश्ता कर चुका हूँ और नाश्ता करने के बाद अब हमारी जो है जो लड़की है, ये मैड जो क्लीन करने आई हुई है रूम को, ये रूम क्लीन करेगी और हम जो है यहाँ से इंशाल्लाह अभी निकलते हैं, बाहर जाएंगे और आप लोगों को दिखाऊँगा कि हमने यहाँ पे क्या क्या देखा। हाँ तो व्यूअर्स, ये रूम है हमारा पताया में और ये शेजान साहब गैलरी से बाहर आते हैं। डबल बेड है, बड़ा अच्छा सा है और अच्छा खासा काफ़ी खुला हुआ रूम है। इसके अलावा यहाँ पे जो सहूलत है इसमें बड़ी अच्छी स्क्रीन लगी हुई है, LED बड़ी HD फुल क्वालिटी में। ये जो आपको नज़र आ रहा है बाहुबली मूवी, इसका सीन है, हमने स्टॉप किया हुआ है। ये हम अपने एक्सटर्नल हार्ड डिस्क पे आए, यहाँ पे मूवी नहीं चलती इंग्लिश। अच्छा, इसके अलावा जो है यहाँ पे होटल में ये 2 बॉटल्स पानी की पर डे, और इसके अलावा ये कॉफ़ी साशे दूध की और 2 अदद ये कैबे के लिए आपको मिलते हैं। और अगर मैं होटल को आपको बाहर से दिखाऊं व्यूअर्स, तो ये गैलरी आप देख सकते हैं, इसमें जो है ये हमारा होटल है, बड़ा ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा नाइस होटल है। यहाँ पे चार्जेस बड़े कम हैं और वॉकिंग डिस्टेंस से बहुत ही नज़दीक है, तो इस वजह से हम यहाँ पे आए थे। ये आप देख सकते हैं और साथ ही अगर हम यहाँ से यूँ टर्न करेंगे तो यहाँ पे हमारी लिफ्ट है। और इसके अलावा फिर इसमें अगर आपको मैं और दिखाऊं तो यहाँ से एक सिटी व्यू है और जो हमारे रूम है वो सी व्यू की तरफ है। सी व्यू की तरफ होने वाले जो होटल्स हैं, जो रूम्स हैं उनके, वो थोड़े से महंगे हैं, बाकी जो सिटी व्यू वाले रूम्स हैं वो सस्ते हैं। तो हमने अपना जो है होटल रूम जो सी व्यू वाला लिया है। तो आपने देख लिया, ये हमारा होटल है पताया में, बड़ा नीट एंड क्लीन होटल है, साफ़ सुथरा है, रूम बड़ा साफ़ सुथरा है और डेली तकरीबन इसकी जो है ना सफाई होती है। तो रेकमेंड करूँगा जो दोस्त आना चाहते हैं, बैंकॉक आए हुए हैं, पताया आना चाहते हैं, तो 7 डेज प्रीमियम होटल पताया में है और ये बिल्कुल वॉकिंग स्ट्रीट से नज़दीक है, ज़रूर आइएगा, बड़ा अच्छा है। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है व्यूअर्स, ये जस्ट मेरा एक्सपीरियंस है। तक थर्ड टाइम है मैं यहाँ पर इस होटल में आया हुआ हूँ, तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ। इसके अलावा ये अपना DSLR लगा हुआ है शेर, इंशाल्लाह आज इसकी भी वीडियो, इससे भी हम वीडियो बनाएंगे। तो चलिए अभी कोई अच्छी सी डेस्टिनेशन हम तलाश करते हैं इंटरनेट पे और फिर आपको लेके चलता हूँ वहाँ पे। इसके अलावा रात को हम गए थे यहाँ पे, थोड़ी सी एक डेस्टिनेशन है वॉकिंग स्ट्रीट पताया की, बहुत ही मशहूर और मरूफ स्ट्रीट है जो नाइट लाइफ के हवाले से बहुत मशहूर है। उसको हमने देखा, बड़ा ही मज़ा आया, म्यूज़िक था हर जगह, हर तरफ जो है क्लब्स थे। यहाँ पे आने वाले जितने टूरिस्ट हैं उनको यहाँ पे नाइट लाइफ जिसको पसंद होती है तो वो वॉकिंग स्ट्रीट ज़रूर जाता है। हमने यहाँ पे ये किया कि हमने वॉकिंग स्ट्रीट का एक छोटा सा राउंड लगाया, बीच रोड का एक राउंड लगाया
और अब हम चूँकि आपको पता है मेरा काम तो है एक्सप्लोरेशन है, मुख्तलिफ किस्म की जगहों को एक्सप्लोर करना, तो मैं जाऊँगा अभी यहाँ से किसी अच्छी सी जगह पे और उसको एक्सप्लोर करूँगा और आपसे वहाँ पे मुलाकात होगी। तो चलिए मेरे साथ रहिएगा, चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक के बटन को प्रेस कीजिए। तो व्यूअर्स चलिए चलते हैं लिफ्ट की तरफ और लिफ्ट से उतरते हुए जाएंगे नीचे, फिर वहाँ से हम जाएंगे आज बिग बुद्धा टेंपल की तरफ, हमारा इरादा बना है जाने का। ये आप देख सकते हैं छोटा सा एक मंदिर बना हुआ है और इस पे ये बुद्धा की है और कुछ काफ़ी तस्वीरें हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं पताया। हाजी व्यूअर्स आप देख सकते हैं अभी इस वक्त ये हम पताया की मेन स्ट्रीट पे हैं और ये सामने आपको नज़र आ रहा है जहाँ पे हमारा होटल है और इसके साथ ही ये डीसी होटल, एक ये भी काफ़ी मशहूर सा होटल है। साथ ही अगर आप देखेंगे होटल से उतर तो ही सामने हमारा होटल ये सेवन डेज प्रीमियम होटल जहाँ पे हम ठहरे हुए थे और इसके साथ ही सामने ही 7-Eleven जो यहाँ की सबसे मशहूर चेन है, 24 आवर्स खुली होती है, हर ज़रूरत की चीज़ यहाँ मिल जाती है। हमने कल अपने लिए आज सुबह सॉरी मैं अपने लिए कल ही लिया था ना हमने, हाँ कल हमने अपने लिए रात को नाश्ते का सामान बंदोबस्त किया, वहाँ से 7-Eleven से चीज़ हर चीज़ ली, पानी वगैरह कॉफ़ी वगैरह लिया। तो इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सड़क आपको नज़र आ रही है, थोड़ी सी कुछ जगह पे अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो अभी चलते हैं हम और मैप लगाते हैं और आगे चलते हैं बिग बुद्धा टेम्पल की तरफ। ये यहाँ पे बने हुए जैसे खूबसूरत से आप देख सकते हैं मंदिर हैं इनके और ये तकरीबन हर जगह पे आपको नज़र आएंगे। मैंने असल में जो कैमरा यहाँ पे ऑन किया है उसकी जो वजह थी वो ये है, ये मैं दिखाना चाह रहा था आपको ग्रीनरी। ओह माय गॉड क्या ज़बरदस्त, और ये मेरे दोनों साथी आगे निकले हुए हैं, मैं थोड़ा सा चूँकि इसलिए उनसे पीछे हूँ तो मुझे रिकॉर्डिंग भी तो करनी होती है भाई, आप लोगों को भी तो दिखाना होता है, वो तो खुद देख रहे हैं सिर्फ, और मुझे खुद भी देखना खुद भी इंजॉय करना है और आप सबको दोस्तों को भी दिखाना है। यार ये रास्ता कहाँ जा रहा है भाइयों, क्या खूबसूरत जगह पे जा रहा है, और ये चेक करें भाई ये इन्होंने जो लगाई है, ये मेरा ख्याल अगर कोई गाड़ी आते हुए ब्रेक फेल हो जाए, कोई ड्राइवर लूज कर जाए, अगर इस साइड से लग भी जाए तो ये इसको नुकसान नहीं पहुंचने देगी किसी भी गाड़ी को। वाह यार ये घूमते हैं देखिए, ये देखो, तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी। और अभी आप दरख्तों के अंदर से वाह मैं जो आपको दिखा रहा हूँ वो आप देखिए, जो फ्रेंड्स थे वो आगे निकल गए हैं जी, और इस वक्त मैं अनजान रास्तों पे अनजान एक सफ़र की तरह रवान दवा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को दिखा। यार बाइक बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं लोग, पता नहीं कहाँ से इतने सारे बाइकर्स आ गए हैं, वो बाइकर्स आप देख सकते हैं इतने बाइकर्स की, यार हर एक में साले ने एक लड़की उठाई हुई है और बस मजे किए जा रहे, घूम रहे फिर रहे हैं, और कुछ नहीं तो भाई आके ऊपर बाइक पार्क की है और पार्क घूमने फिरने चले गए। तो अपना तो कुछ ऐसा है नहीं सीन, तो हम अपने दोस्तों के साथ ही चलते हैं भाई, जहाँ भी जाना होगा वहीं चले जाएंगे।
अब ये मेरे दोनों दोस्त पता नहीं कहाँ निकल गए हैं। हाँ जी, ये एक खूबसूरत डेस्टिनेशन है, बहुत ही प्यारा सा